नवरात्रि के पहले दिन बहुत से घरों में देवी की स्थापना हुई होगी, घट स्थापना भी की होगी और हाँ ज्वारा भी लगाए होंगे ताकि घर में सुख और समृद्धि आए। ऐसी ही कामना हमारे कुछ कलाकारों ने भी की है, हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि वो भी तो हमारे साथियाँ हैं। जी हाँ, हर रोज टेलीविजन के पर्दे पर आकर हमारा मनोरंजन जो करते हैं, तो चलिए उनके साथियाँ हम भी बन जाते हैं और एक बार फिर माता की पूजा में शामिल हो जाते हैं। नवरात्रि आ गई है और नवरात्रि में मोदी परिवार में धूम जो देखने मिलती है, वैसी धूम छोटे पर्दे पर जल्दी आपको देखने नहीं मिलेगी, क्योंकि इस नवरात्रि एक गोपी, कोकिला और गहना आपसे मिलने आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों न इसकी शुरुआत इन्हीं से की जाए। गोपी मोदी परिवार का ख्याल रखती है तो उसकी जिम्मेदारी है माता रानी को चुनरी पहनाना, उनका 16 श्रृंगार करना। यूं तो माता रानी बहुत खूबसूरत लगती हैं, लेकिन साजो श्रृंगार के बाद उनका रूप तो भाई देखने लायक होता है। हम चाहकर भी माता रानी के चेहरे से अपनी नजर नहीं हटा सकते। एक गोपी ने भी माता रानी को सजाया सवारा और एक टक वो माता रानी को देखती ही रह गई। जय श्री कृष्णा। सो नवरात्रि शुरू हो गई है एंड आई नो इस बार थोड़ा अजीब है क्योंकि हम गरबा खेलने जा नहीं सकते, दुर्गा पूजा में दुर्गा माँ की दर्शन करने नहीं जा सकते क्योंकि बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक पंडाल्स लग नहीं रहे हैं जिस तरह से हर बार हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। बट आई एम श्योर उससे जो माता रानी की जो आशीर्वाद होता है उस पर कोई कमी नहीं होगी माँ की तरफ से। माँ हमेशा अपने बच्चों को खुश रखती हैं। का सामान है उस श्रृंगार का सामान में हरी चूड़िया है, मंगलसूत्र है, सिंदूर है, कंघी है, तो जो भी श्रृंगार के सामान होते हैं वो सब रखे गए हैं।
जैसे कि फेस्टिवल्स है और हम भले ही वैसे ना सेलिब्रेट कर पाए जैसे हम हर साल करते, पर फिर भी एटलीस्ट माता रानी के लिए मैं इतना तो कर ही सकती, इससे कहीं ज़्यादा हम लोग कर सकते, बट अभी फ़िलहाल के लिए मैंने गरबा नहीं बिहू डांस किया है एंड आई एम श्योर आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। सो आप सबको मेरे तरफ से और SBS की तरफ से हैप्पी नवरात्रि एंड हैप्पी दुर्गा पूजा। थैंक यू। हे बहू ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की तो वहीं सासू माँ भी आ गई। अब कलश रखना है, साथ ही अखंड जोत भी तो जलानी है। ये पूजा पाठ की पूरी जिम्मेदारी कोकिला की ही तो होती है। हर साल की तरह इस साल सास बहू की ये जोड़ी ये कोकिला और गोपी इन दोनों ने मिलकर माता रानी की पूजा की तैयारियां कर ली। जय श्री कृष्ण। मैं आप सबकी प्यारी लाडली कोकिला मोदी यानी के रूपल पटेल नवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ, बधाइयाँ देती हूँ और माँ अंबे से प्रार्थना करती हूँ कि इस साल की नवरात्रि आप सभी के लिए शुभ हो और बहुत बहुत फलदायी हो। नवरात्रि का उत्सव हम क्यों मनाते हैं? बहुत बहुत प्यार से, बहुत पवित्रता से और बहुत खुशी और उत्साह के साथ नवरात्रि का त्यौहार हम मनाते हैं। 9 दिन के ये पर्व बहुत अहमियत रखता है क्योंकि माँ दुर्गा ने, माँ अम्बे ने अलग अलग रूप लेकर महिषासुर और बाकी असुरों के साथ 9 दिनों तक घमासान युद्ध किया और 10वें दिन बुराई पर अच्छाई का विजय हुआ यानी कि विजया दशहरा। तो 9 दिन हम माता के अनेक रूप है उसकी पूजा पाठ अर्चना और नवरात्रि का व्रत भी हम रखते हैं। तो आइए आज के शुभ मौके पर सबसे पहले हम माता जी के गरबे से शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये गरबे ये मिट्टी का बना हुआ था और उसमें बहुत सारे खूबसूरती से इसकी सजावट की गई है क्योंकि ये कहीं ना कहीं माँ अम्बे के प्रति हमारी श्रद्धा का एक प्रतीक है। इसके अंदर हम अखंड ज्योत जलाते हैं और 9 दिन तक माँ इतनी शिद्दत से जो असुरों का नाश कर रही है, उनका बिल्कुल वध कर रही है, तो हर पल हम माँ को बिल्कुल याद करते हैं, हम उनसे प्रार्थना करते हैं। आती है ज्वार लगाने की तो भाई इसकी जिम्मेदारी इन नई नवेली सदस्य को मिली है और वो है गहना। अपने हाथों से इन मिट्टी को गमले में लगाया और फिर ज्वार को रोपा। अब पहला दिन है ज्वार को लगाया गया है। 9 दिन में इन माता रानी की जितनी भक्ति होगी, जितनी सेवा होगी, उसी हिसाब से ये ज्वार बढ़ेंगे। और कहते हैं ना, ज्वार जितना फलता फूलता है घर में उतनी ही सुख शांति आती है। नमस्ते, मैं हूँ गहना। नवरात्र का आज पहला दिन है तो पहले दिन घट स्थापना की जाती है माता जी की, तो उसमें हम जवार है वो उगाते हैं। तो मैं बताती हूँ कैसे होती है वो जवार कैसे उगाया जाता है। तो ये है जवार, ये है मिट्टी और मूली, ये है मूली, तो और ये है मिट्टी वाला मिट्टी का बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन पे पहले हम मूली बांधते हैं। जैसे कि गहना को ना बहुत कलरफुल चीज़ें पसंद है, उसे कुछ क्रिएट करना पसंद है, तो वो चीज़ों से डेकोरेट करती है, चीज़ें अपने हाथों से बनाना पसंद करती है। तो अभी मैं इस बर्तन को अपने हाथों से डेकोरेट करूँगी। मैंने जवार को मिट्टी में मिला दिया है। तो कहते हैं नवरात्र के 9 दिन माता जी इसी पर आकर गरबा खेलते हैं। इसे अब हम यहाँ रख देते हैं माता जी के पास। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
अब सब कुछ हो गया है तो भी पूजा पाठ भी तो करनी पड़ेगी। एक एक करके माता रानी की सबने आरती उतारी और उसके बाद माता रानी का आशीर्वाद लिया कि इस बार साथिया सीजन 2 को भी उतना ही प्यार देना जितना कि आपने साथिया 1 को दिया था। साथिया की ये टीम दर्शकों से यही उम्मीद कर रही है। मुंबई से निशी मिश्रा और नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।